मैं दुआ करता हूं कि हिजाब पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ रही हमारी बहनें अपनी लड़ाई में कामयाब होंगी। कर्नाटक में संविधान की धारा 15 1921 का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। मैं कर्नाटक की भाजपा सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही है हिजाब के मामले को लेकर के कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। देखिए, कर्नाटक में जिस तरह का बवाल मचा हुआ है यह बीजेपी सरकार की देन है कि हर जगह जहाँ जहाँ इनकी सरकार होती है आज हिजाब को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है। तो ओवैसी जी ने तो ठीक ही सवाल खड़ा किया है। भाजपा ने जो रंग दिया है, जो बीजेपी का डिजाइन है राजनीति का, ये खतरनाक है। ये बात लगातार आदरणीय लालू प्रसाद जी भी कहते रहे हैं, ये नफरत की राजनीति, ये भाई भाई में लड़ाने की राजनीति, ये बांटने की राजनीति, उन्माद की राजनीति, ये तो खतरनाक है। और यही काम बीजेपी कर रही है जिससे सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी कांग्रेस पर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं होती तो सिखों का कत्लेआम न होता, कांग्रेस नहीं होती तो कश्मीरी पंडित पलायन नहीं करके कहीं चले नहीं जाते। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भी 7 वर्ष उनके पूरे हो गए हैं, आज भी वो मच्छर भी काटता है तो कांग्रेस के ऊपर दोष देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस थी तभी आज ये देश सीना तान कर खड़ा है दुनिया के सामने, ये कांग्रेस की देन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार नहीं होती तो ये नौबत नहीं आता है कि पुलवामा की घटना नहीं होती, चीन भारत का जमीन कब्जा नहीं किया होता, कोरोना काल में आप ताली और घंटी बजवा रहे थे, उधर मजदूरों की जाने जा रही थी, 1000 किलोमीटर चलकर लोग आ रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार नहीं होती तो इतने बेरोजगारों की फौज देश में खड़ी नहीं होती, इतनी महंगाई चरम पर नहीं होती, भुखमरी और महामारी नहीं होती। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, विपक्ष का सम्मान, लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार का अंग है, लेकिन हर बार देखा गया है जब जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पार्लियामेंट में कहीं, तो वो अपनी उपलब्धि बताने के बदले विरोधियों पर हमले करते हैं और तंज कसते हैं। सच्चाई आईना सामने अगर कोई रख रहा है, जितने राज्यसभा में हमारे पार्टी के और कई सांसदों ने जो आईना दिखाया सरकार को, यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नागवार गुजरती है, उनको कोई आईना ना दिखाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी एक एक नाकामी को, 7 वर्षों में जितने नाकामी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के कार्यकाल में हो गए, 70 वर्षों में कांग्रेस की नाकामी इतनी नहीं थी। अब 7 वर्ष बनाम 70 वर्ष में लोग तुलना देश के लोग कर रहे हैं तो 7 वर्षों में तो आपने हद कर दी, भद पिटवा दी इस देश की। वोटिंग के दौरान बयान रहे कि दिल्ली में रहते हुए भी मेरे दिल में उत्तराखंड का बहुत बड़ा स्थान है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें पीछे खींचना चाहते हैं। कांग्रेस ने जहां जहां बात की वहां जहर बोया, तुष्टिकरण की राजनीति देखिए उन्होंने कश्मीर के साथ क्या किया प्रधानमंत्री ने। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 5 राज्यों में चुनाव हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि बीजेपी की हालत 5 राज्यों में खराब है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, सर हर जगह से। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इस तरह की भावनात्मक बातों को वो कहेंगे, वो तो जहाँ जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, वहाँ की भाषा में भाषण देने का प्रयास करते हैं, खून का रिश्ता बताते हैं। तो अजीब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये रहा है व्यवहार। तो इसलिए जनता को जो चाहिए, 3 बातों का
जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाते हैं, नहीं बताते हैं कि आखिर क्यों ये बेरोजगारी की मार से लोग परेशान हैं। इस पर बात करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब आपका भाषण नहीं, जनता को राशन चाहिए। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते समय तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए था और विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वास्तविकता से कोसों दूर अपने राजनीतिक भाषण से हमला किया। नेहरू जी के बारे में उनकी टिप्पणियों से नाराजगी थी। मुझे नहीं लगता है कि जनता कोविड-19 के उनके प्रयासों को स्वीकार करती है। सचिन पायलट ने यह बात कही है। देखिए, सचिन पायलट जी ने बिल्कुल सही बात कही है, जो देश का हर नागरिक कह रहा है, जिनके जेहन में आज 130 करोड़ भारतीयों के जेहन में ये सवाल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आखिर कब तक जनता को गुमराह करेंगे हर मुद्दे पर। तो ठीक ही, उनके सहयोगी आज हम लोगों को से निकलकर महागठबंधन से चले गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का नेतृत्व आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में जिस तरह से विरोधाभास है, आप जिस तरह से लगातार कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, सारी नाकामी 70 वर्षों पर थोपते हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बता पाते हैं। तो सचिन पायलट जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये देश अब माफ़ नहीं करेगा। उनका भाषण अब उबाऊ लगने लगा है लोगों को कि हर चीज के लिए ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये बात कर रहे थे। ये अपनी बात नहीं कहे कि 2014 में जब ये आए थे सत्ता में, तो लाल किले से इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी। क्या हाल है नमामि गंगे परियोजना का? मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है प्रधानमंत्री जी, तो गंगा माँ आज भी रो रही है, गंदगी आज भी साफ नहीं हुई है, आपके सारे 2 लाख रोजगार, 15 लाख खाते। जुमलेबाजी की एक हद है, 7 वर्षों तक लगातार सिर्फ जुमलेबाजी और सारा दोष विरोधियों पर थोपना, ये तो अब जनता को स्वीकार नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।